गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और घर के सारे वर्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के। और क्योंकि मुझे मैंने सबको जाना है घूमने, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का ये जो है प्लेस। और ये मैं जो है ओले का एंटी एजिंग क्रीम लगाती हूँ जो एज को प्रोटेक्ट करता है। मुझे नहीं लगता, बट हाँ थोड़ा सा जो है सॉफ्ट करता है और जो रिंकल वगैरह है उसको थोड़ा सा कम करता है। और ये मैं लैक्मे का लिपस्टिक लगाई हूँ। और ये जो क्रीम है मेरी ये 200 रुपये की पड़ी है, 18 ग्राम। मॉर्निंग एवरीवन, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज रेडी हो गई हूँ और एक स्पेशल जगह जा रही हूँ, चलिए आपको भी ले चलती हूँ। चाबी लिए हैं गाड़ी की? अच्छा, तो हम लोग मंदिर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं। और यहाँ पे हम लोग की जो है गाड़ी खड़ी हुई है। और तो ये और साइड में ये चारों तरफ जो है दुकानें हैं, ये साइकिल स्टैंड है। तो अभी तो काफ़ी जो दुकानें हैं वो हट गई हैं, जो हमेशा जो रहती हैं वही दुकानें बस रह गई हैं। और साफ़ सफाई यहाँ काफ़ी अच्छा है और चीज़ें जो हैं एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक ठाक मिल जाती हैं। जो भी घरेलू सामान आपके किचन से रिलेटेड चाहिए तो और मैंने एक हाउसवाइफ की सारी ज़रूरतें जो हैं यहाँ पे पूरी हो जाएंगी, आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये मैं मंदिर के लिए प्रसाद ले रही हूँ चढ़ाने के लिए और इस तरह से, और नारियल वगैरह जो भी था चढ़ाने उड़ाने के लिए हम लोगों ने लिया। और यहाँ पूजा के बर्तन जो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इस तरह से है ये। और तो मुझे तो हम लोग हमेशा नहीं जा पाते हैं, बट कभी कभी जब ये जो है मेला लगता है तभी हम लोग यहाँ पे जा पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन कितना है। और ये रहा गोरखपुर का जो है ये गोरखनाथ मंदिर का मेन, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये जो सामने का जो फ्रंट है तो ये फूलों वगैरह से बहुत ही अच्छे तरह से वहाँ के जो माली वगैरह हैं अच्छे से केयर करते हैं। और ये फ्लावर वगैरह कितना अच्छा अच्छा फ्लावरिंग ये मारी गोल्ड के हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। तो जो नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए। और ये सावर है बीच में, जब इवनिंग में ये सावर होता है तो शाम को बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से जो पौधों की कटिंग वगैरह हुई है। और फिर ये हम लोग आ गए मेन मंदिर में, तो मंदिर में फ़ोटो वगैरह या वीडियो लेना काफ़ी मना था, बस हम लोग यहाँ से सामने से मंदिर का ले लिए हैं। थोड़ा सा मैंने शेयर किया है बट क्योंकि कैमरा लगा था यहाँ से। ये मेन है गोरखनाथ बाबा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब बहुत अच्छा लगता है यहाँ, जैसे लगता है मन बहुत शांति मिलती है।
और हम लोग का तो यहाँ से बचपन गुजरा है। और यहाँ पे जो महात्मा ऋषि हैं तो उनके जो ये बनाए गए हैं, तो इस तरह से उस पर नाम वगैरह लिखा है। और मैंने कह सकते हैं कि एक धर्म स्थल जो होता है, यहाँ पे सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार हुआ, एंगेजमेंट वगैरह का जो भी होता है, तो वो धर्मशाला अलग से है, तो या वो भी होता है। और ये यहाँ का तालाब है, तो इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं। और ये शाम को बहुत अच्छी सी लाइटिंग होती है, बीच में आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी लाइटिंग इसकी नहीं देखी है, बट मैं कभी अगर जाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी उसका। और ये तालाब में हंस वगैरह हैं, देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में। और बोटिंग वगैरह अगर किसी का मन है तो करता है, नहीं तो नहीं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग घर आ गए। आने के बाद हम लोग सो गए थे, और अभी मैंने मटर को कुकर में चढ़ाया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह खाना नहीं बना था। तो बस घर का थोड़ा सा काम वगैरह करके फिर हम लोग और वहीं पर नाश्ता वगैरह पूरी सब्जी हम लोग वहाँ खा लिए थे, चाय वगैरह वहाँ भी पी लिए थे। और आने के बाद मैं सो गई, और इतनी थकान होने लगी कि सर मेरा पकड़ लिया, तो बाम वगैरह लगा के अभी मैं सो के थोड़ी देर पहले उठी हूँ। और एक मटर और चाय थोड़ा बना लूँ, सब कोई खा ले, उसके बाद फिर शाम को खाना बनेगा। और कुछ सामानें मैंने खरीदी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मुन्ना का पानी पड़ा कर लें। और मंदिर का व्यू कैसा लगा आप लोगों को? और ये मैं ब्लॉग में फर्स्ट टाइम इस तरह से अपने गोरखपुर का और ये गोरखनाथ मंदिर आप लोगों के लिए शेयर की हूँ। लेकिन मैंने नहीं शेयर किया था, ये फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग बताइएगा। और ये गोरखपुर की, जैसा आप कह सकते हैं कि गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की जान है, तो वाकई है। और खूबसूरती भी है, सफाई भी काफ़ी रहता है वहाँ पे। और जो योगी जी हैं वो मठ से बिलोंग करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका यहाँ पे, हम लोग तो बचपन से ही ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और बहुत अच्छा है। तो जो नहीं देखा होगा गोरखपुर, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और अपनी राय जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये। और मंदिर का जो व्यू है वो मैं पूरा नहीं ले पाई, क्योंकि सिक्योरिटी थी और फ़ोन वगैरह मंदिर में नहीं अलाउ था कि उसको हम लोग ऑन करें, और क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। और योगी जी अभी आए हुए हैं लखनऊ से कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, तो अभी वो और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो फ़ोन वगैरह में ज़्यादा जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने शूट किया। और अदर समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री और वो भी मंदिर का जो मठ है, तो मठ के मालिक कह सकते हैं, या तो कितना वो रहता है, तो चारों तरफ पुलिस वगैरह थी मंदिर में, लेकिन बहुत वो अच्छा था। तो चलिए फिर मैं अभी मिलती हूँ, नाश्ता वगैरह मैं कर लूँ। उसके बाद ये हम लोग का मटर और जो भुजा होता है, तो यहाँ पे मैंने निकाला है सबको, और अपने लिए, बाबू के लिए और हस्बैंड के लिए। और यहाँ एक तरफ मैं चाय भी रख दी हूँ, तो जब तक हम लोग ये मटर खाएंगे तब तक चाय भी जो है हो जाएगी। और बाबू नमकीन भी डाले हैं, हम लोग का हो गया। और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने खरीदी हैं, ज़्यादा नहीं खरीदी हैं, बस जो मुझे लगा कि ये चीज़ होना चाहिए घर में, तो बस वही मैंने लिया। और एक तो ये मैंने लिया, मैंने इसको करवाया, इस पर मैंने सारे बच्चों के नाम लिखवाए, ये हर्ष आरव और ये आस्था यान्या, ये मेरी देवरानी के बच्चों का नाम है आस्था अन्या,
ये मेरे बेटे के लड़के का नाम है हर्ष और ये मेरी बेटी के लड़के का नाम है आराव। और ये बाबू हैं जो मेरे साथ रहते हैं वैभव। और ये युवराज और ये अनुराग का इस तरह से है। तो ये फैमिली जो है लिखा है इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इस पर लिखवाया। 160 रुपये का मुझे पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं अपने टीवी यूनिट पे रखूँगी। और ऐसे रहने से जैसे नाम जो है एकदम दिमाग में हमेशा रहेगा कि हाँ, तो घर के सारे बच्चों का जो है मैंने इस पर नाम लिखवाया है। तो कैसा लगा ये ज़रूर हमको बताइएगा। और एक मैंने प्लांट लिया है, इस तरह से है ये। तो इसको भिगोना है और मुझे इसको 24 आवर के लिए पानी में डिप करके रखना है और ये अच्छे से एक पौधा बन जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से आधे फीट के आसपास का। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो बोला कि आप इसको भिगा दीजिएगा और इस तरह से पौधा बन जाएगा। तो मैंने ये लिया और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे ही हो जाता है। और गेहूँ आँखने के लिए, क्योंकि पुराने वाला जो था मेरा टूट गया था, तो जब हम लोग गेहूँ धुलते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये लिया। और ये 80 रुपये का पड़ा है, बहुत अच्छा मिल गया। इससे छोटा था तो वो छोटा मुझे नहीं चाहिए था, तो ये वाला मैंने लिया। बस यही 2-3 चीज़ें ली, नाश्ता वगैरह हुआ। और मेले में भी क्या लेना, सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। और जब काफ़ी जब ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन तो है ही है, वहाँ से अपना सारी चीज़ों को आप तो देखते ही होंगे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग मेरा ज़्यादा ही हो जाता है तर त्यौहार वगैरह में। तो बस ये 2 चीज़ें मैंने, मुझे अब यूनिक लगा तो मैंने लिया। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपको अपने अगले वीडियो और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और चलिए फिर, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।